ठीक है, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपन पीओसी जो है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन किस पे अप्लाई करते हैं जनरली, उस पे जो शुरू से लेके आखिर तक मिलेगा अपने को, तभी तो कंजर्व कराएंगे। सही हाँ है, शुरू हाँ सर, से आखिर तक कौन मिल रहा है, प्लैटिनम प्लैटिनम किस पे करूंगा अप्लाई पीओसी? प्लैटिनम पे, तो प्लैटिनम पे लगा दिए पीओसी। मतलब प्लैटिनम पे जो इधर मोल है वही सॉल्ट में मोल होगा। हाँ ठीक है, तो प्लैटिनम यहाँ पर मोल क्या है? लेड अपॉन एटोमस। और यहाँ पे मोल कैसे निकालेंगे? यही तो पीयूसी, यही पे तो काम आता है। इस पूरे मॉलिक्यूल के एक मोल में प्लैटिनम मोल कितने हैं? एन एन। एक मोल में एन मोल, इतने मोल में कितने हैं? इनटू एन। यस नहीं, अरे भाई यूनिटरी मेथड, एक मोल में एन तो इतने में कितने इनटू एन। ये मोल किसका है? पूरे मॉलिक्यूल का। डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूं H2PPCl6 का मास, पीटी मास पता है, इसका पता है, स्लेट पता है, इसका उधर 410 होगा, 410। तो देखो मोलर मास ऑफ बी क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सीपीएस माइनस एन टाइम्स 410। 410 मास किसका है? H2PTCl4 यस सर, पूरे में से ये माइनस कर दो, कितने टाइम्स? एन टाइम्स एन टाइम्स किसका मास आ जाएगा? 2b का, और बी 2b का आ गया तो उसे डिवाइड कर दो तो एक बी का हो गया। देखो कठिन नहीं है, सस्ता है। यहां से निकाल लीजिएगा। अब एक बात और बता दूं मैं, आप सोचेंगे अरे यार समझाने रट लेता हूं, फिर तो गया, आपके सामने भी काला काला दिखेगा, रट नहीं सकते आप, समझिए इसको। इजी है, प्लेटिनम पे पीओसी लगा। अब देखिए आप सोचेंगे अरे एग्जाम में कैसे आएगा, तो सारी वैल्यूज गिवन रहेगी, डब्ल्यू गिवन रहेगा, W1 गिवन रहेगा, यहाँ W निकालना, जैसे वो मूवी थी ना कौन सा, धमाल है, धमाल मूवी थी ना, W W के नीचे। हाँ सर, यस सर, यहाँ पे W नहीं दिया, यहाँ पे W दिया रहेगा आपको। ठीक है, W दिया रहेगा, W1 दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, एन पता रहेगा, ये निकल गया, इधर पुट कर दीजिए। देखिए प्रैक्टिस होगी ना आपके, सब कुछ भी नहीं, आपको नेचुरल फ्लो आ जाएगा, तुरंत आप फटाफट कर लेंगे, आपको लगेगा नहीं कि अरे तो मुझे याद करना था फॉर्मूला, ऐसा कुछ फील भी नहीं होगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस है सब कुछ, सभी चीजों का जड़ मूल है प्रैक्टिस। ठीक है, कर लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा, कभी n की वैल्यू अगर 2 हो जाए ना तो कॉमन ले लीजिएगा, मतलब यहाँ से भी 2 उठा दीजिए, वहां से भी 2 उठा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर, देखिए यहाँ भी 2 हो गया, इसके मोलर मास में 2 टाइम्स आएगा, है ना, तो 2 n के भी 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ सर, जैसे अपन देखते भी होंगे, जैसे कभी आपने स्टार्ट नहीं देखा होगा, एक कभी भी जैसे एक्चुअल में NaCl फॉर्मूला ना Na4Cl4 होता है, तो ऐसे पढ़ाऊंगा आप लोग को, NaCl का एक्चुअल में एक लैटिस में 4 फॉर्मूला होता है, बट अपन सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl वो तो हटा देते हैं। जल्दी लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे। उसके बाद एक आखिरी मेथड रह जाएगा, यस सर,
सर वो पीटी के सामने एरो डाउन क्यों किया है? सॉलिड है, सॉलिड। अच्छा ठीक है। सर हो गया। क्वेश्चन लिखिए। सर एक मिनट रुको ना। एक काम करिए ना, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी लोग भी लिख लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा तो वापस आप फिर लिख लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। देखिए 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट salt of chloroplatinate salt sir fir se bol 0.98 gram of chloroplatinate salt of some chloroplatinate salt of some diacidic base वो दो एसिड को खा सकता है, उसका एंड फैक्टर क्या होगा? सर आप ऐसे नेता जैसे लग रहे थे। हाँ सर, ज्वाइन करूँ, उधर भी ज्वाइन करता हूँ। तो अमित शाह जैसे दिख रहे सर। इधर देखो, इधर पे मेंटेन क्या हो मैं। हाँ सर, इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट मेरे से ज्यादा है ना, अभी 12th में भी है ना, 18, 17, 16 साल की उम्र में ये ऐसे पिज्जा खा के, बर्गर खा खा के बर्गर जैसे दिखते हैं ना? तो मैं ऑन ए सीरियस नोट बहुत डिसिप्लिन के साथ रहता हूँ, मतलब इन द सेंस खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। ठीक है, अभी 6:30 बजे खाना खा लूंगा मैं, एक घंटे बाद। तो रात का खाना? हाँ रात का खाना, और क्या, 6:30 के 7 बीच में रात का खाना खा लूंगा, और उसके एग्जैक्ट 1 घंटे बाद पानी पीऊंगा। ठीक है, तो और 24 घंटे में मैं 16 घंटा खाना कुछ नहीं खाता हूँ। 24 घंटे में 16 घंटा उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्ट, मतलब अनुवांशिक, कुछ पार्ट जो है दिन के 24 घंटे में 16 घंटा मैं खाली पेट रहता हूँ, 8 घंटे के अंदर ही कुछ खाता हूँ। तो 8 घंटा क्या है मेरा, मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 7। उस 8 घंटे में सुबह 11 बजे खाना खाता हूँ, 3-4 बजे कुछ ब्रेकफास्ट या स्नैक जो भी है, और 6:30-7 बजे खाना, बस इतना ही। सर आप भी IF करते? IF? इंटरमिटेंट फास्टिंग वही है। अच्छा अच्छा। मैं भी करता सेम, पहले वाटर फास्टिंग करता था फिर छोड़ दी। कौन 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 बोल रहा है? एश। नहीं, वाटर फास्टिंग मेरा फ्रेंड करता है, कॉलेज का फ्रेंड है, वो मेरे नागपुर में आया था अभी लास्ट ईयर। 15 दिन किया था सर। नहीं, वो क्या करता था, सिर्फ एक टाइम खाना खाता पूरे 24 घंटा में, वो भी कब, शाम को 5-6 बजे, वो मतलब शाम खाना खाता था, बट बहुत ज्यादा खाता था, 6-7 रोटी, 8-9 रोटी जितना दे दो, और इतना चावल जो दे दो, बोलता था कि अगर तुम इतने कम टाइम में सिर्फ खाने खा रहे हो तो जो खाना खाओ सब बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो
भाई साहब पानी पे रहता था, सुबह मतलब पानी पी के रहता था और सिर्फ शाम खाना खाता था। मैं कहा ये तो नहीं हो पाएगा, मेरे को लेक्चर लेना है वो भी ऑनलाइन में, रिपीट 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 समझा समझाते मैं ऐसे बेहोश हो जाऊंगा। तो इस शुरुआत में थोड़ा लगता है जब स्टार्ट करेंगे आप, वो मेरा दोस्त पिछले 5-6 साल से कर रहा है। 3 दिन लगता है बस, उसके बाद सब एनर्जी वापस से आ जाती है। 3 to 7 days कुछ लोगों पहले, मैंने 15 दिन कुछ नहीं खाया था सर, सिर्फ पानी पे था भाई। उससे मेरा 3 महीने में 20 किलो कम हुआ सर। 20 किलो कम हुआ मतलब आप 80 कर रहे होंगे? हाँ हट्टा कट्टा सा सर मैं, अभी पतला हो गया। वही तो मैं बोल रहा था कितने लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेट मेरे से ज्यादा है सर। मुझे गेन करना है, आपको लूज करना है? मुझे लूज नहीं करना है, मैं ऐसे ही मतलब अब लूज नहीं करना है। और मैंने कभी लूज, मेरा अभी 70 है, पहले 90 था, अभी 70 है सर। डाई एसिडिक के बाद क्या सर? ये देखो साला, डाई एसिडिक के बाद हाँ ठीक है, 0.98 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट ऑफ सम डाई एसिडिक बेस व्हेन इग्नाइटेड diacidic base when ignited left gram of platinum as residue. What is the molecular mass of base? What is the molecular mass of base? चलो कोई तो है अपने बीच में जो अपने को याद दिलाए। नहीं भाई अभी ट्रैक अलग हो गया है, वापस आ जाओ। गुड, तो ये वैल्यूज दिया हुआ है, बस आपको पुट करना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला खेल। बताइए प्लैटिनम कितना मिला, और ये ध्यान है सॉल्ट का वेट है। सॉल्व करिए, सर आवाज नहीं आ रहा आपका। आ रहा है सर, आवाज का क्या करें? मैंने म्यूट किया है ना, सॉल्व करिए ना।
सर उसकी वैलेंसी तो दी नहीं है। दिया है, दिया है। क्या है सर? क्या लिखा हुआ है? अच्छा हाँ 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 डाई मतलब तू हो गया डाई से। सर 80 बाकी लोग बताइए भाई आंसर। देख लीजिए यहाँ वाले रखिए, यहाँ पे क्या क्या रखा, डब्ल्यू क्या दिया था, एन क्या है, डब्ल्यू वन क्या है, चलो सही है। देखो अब ये कैलकुलेट मत करो अभी, तो वहां पे फिर कुछ करना ही है, इंटरमीडिएट वैल्यूज मत कर लो यार, वो तो टाइम वेस्ट होता है, सीधे दोबारा हो सकता है उसका कैंसिल हो। 0.98 इनटू 2 इनटू 195 माइनस 2 इनटू 410 अपॉन 0.39 अपॉन 2 तू तो निकाल लो कॉमन, देख देखो ये देख लो, सॉल्व कर लो, ये क्या आ रहा है अप्रॉक्स देख लो। हाँ सर 80 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है 80, सॉल्व कर लो 80 आएगा। सर आपने जो बुक बताया था सर उसका कवर पेज में मतलब रेड ब्लू फ्लोर जैसा है क्या? रेड और ब्लू, हाँ करेक्ट। उसकी प्राइस सर 1300 मतलब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे 1000 नहीं मार्केट में, मैंने बोला था ना कि एक बार आपने हमको फोन करके बोल दीजिए कि सर इधर नहीं मिलेगा ना हमारे, मतलब नागपुर में नहीं रहते ना सर, हमारे इधर नहीं मिलेगा। नागपुर में रह रहे हैं वही बार मालूम कर लीजिए, तो वही 800-850 है मेरे ख्याल से, वो पूरे 2 साल के लिए एक ही बुक है। वही है ना सर, मतलब रेड और ब्लू फ्लूड ऐसा आ, रेड़ 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 कलर निकाला पेज है, मेरे पास यहाँ नहीं है, ऑफिस ऑफिस में इंस्टीट्यूट में है, इंस्टीट्यूट में तो आपको ऐसा पूरा ऐसा दिखा देता है, देख लो ये बुक है, वो नाम देखो ना कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा एक वैसे करके, ऑब्जेक्टिव फिजिकल केमिस्ट्री वो नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो एक और मेथड रह गया लास्ट, इसमें अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आप लोग जो है होमवर्क 32 तक और उसके बाद ये इसके क्वेश्चन है क्या वर्कबुक में आपके, नहीं इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, ये आपको वो बुक में मिल जाएगा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन वर्कबुक में नहीं, ठीक है। स्टॉप कर रहा हूँ, ये जो मेरा लिया हुआ लेक्चर ना इसका लिंक जो है आपके वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे सेंड करा दूंगा, जिनका छूट गया है वो कुनाल वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, bye, sir. Bye, sir.